हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं एमडी इमरान आपके इस खूबसूरत से चैनल टाइटेनियम क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। वेलकम बैक। कई दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, परंतु मैं फिर से एक नए जोश के साथ आपके इस टाइटेनियम क्लासेस पर उपस्थित हुआ हूं। और आइए, चूंकि एक सीरीज चल रही थी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, जिसमें मैंने अब तक 8 वीडियोस अपलोड करे हैं और बेसिक को बिल्कुल क्लियर से क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोग वीडियोस का अच्छे से फायदा ले रहे होंगे, अपनी पढ़ाई, अपनी सेहत और अपनी फैमिली का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज इस इंट्रोडक्शनरी लेक्चर का, आज बेसिक लेक्चर्स का ये लास्ट लेक्चर होगा और इसके बाद हम क्लास 9th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बड़ी तेजी के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि थंबनेल आपने देख ली होगी, यूनिट कन्वर्जन की संपूर्ण कहानी और उसके दुख दर्द को आज समाप्त करने की संपूर्ण कोशिश की जाएगी। आइए इस खूबसूरत सी रात में स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सा लेक्चर जिसका नाम है यूनिट कन्वर्जन। चलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली यूनिट कन्वर्जन की, ठीक है? यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है और यूनिट कन्वर्जन करने के क्या क्या बेसिक स्टेप्स हैं। तो बच्चों, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो हमेशा के लिए ध्यान रखना है, जब भी यूनिट कन्वर्जन करना पड़े, आपको करना हो तो आपको जब भी नीचे जाना है तो ध्यान रखना है, नीचे जाने पर यूनिट्स इंक्रीज होंगी। क्या होंगी? इंक्रीज होंगी, बढ़ेंगी, ठीक है? मतलब यूनिट बढ़ेगी, ठीक, यूनिट बड़ी होगी, लार्ज यूनिट आएगी, लार्ज यूनिट। जैसे लेंथ की एक स्मॉल यूनिट मीटर है, उसकी लार्ज यूनिट किलोमीटर है। तो हम यूनिट इंक्रीज, यानी हम स्मॉलर यूनिट से, यानी हम स्मॉलर यूनिट से, स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ जाएंगे, हम लार्जर यूनिट की तरफ जाएंगे, स्मॉलर यूनिट से ठीक है, स्मॉलर यूनिट से कहाँ जाएंगे, लार्जर यूनिट की तरफ जाएंगे। और दूसरा जब हम ऐसे जाएंगे ऊपर की तरफ, तो फिर वही इसका जस्ट अपोजिट यूनिट क्या होगी, यूनिट डिक्रीज होगी। और हम लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाएंगे, ठीक है, लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाएंगे, ठीक। तो ये दो बातें आपको पहले ध्यान रखनी है। टेक अ शॉर्ट स्क्रीन, ओके। तो अब आगे चलते हैं हम, दूसरा दोला हमने पढ़ लिए कि जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो यूनिट इंक्रीज करेगी और जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो यूनिट डिक्रीज करेगी। अब ध्यान दे बच्चों, यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां जाएंगे, यानी नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और ऊपर से नीचे जाने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि कहां, वो हम थोड़ा सा आपको आगे बताते हैं। तीसरा रूल बच्चों यह है कि जब हम नीचे जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें यूनिट को बढ़ाना है, जब हम नीचे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो नीचे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नीचे जाएंगे मल्टीप्लाई, ऊपर जाएंगे डिवाइड। अब सवाल यह है कि मल्टीप्लाई किससे,
और डिवाइड किससे, ये दूसरा ला है और ये फोर्थ ला है, मल्टीप्लाई किससे और डिवाइड किससे, ध्यान से सुने। हम जितने स्टेप नीचे जाएंगे, हम जितने स्टेप नीचे जाएंगे, कहां से, जो हम सीढ़ी बताएंगे, हम जितने स्टेप नीचे जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेप इक्वल टू नंबर ऑफ टेन, मतलब उतने दस लेंगे हम, जितना स्टेप चलेंगे उतने दस को कंसीडर करेंगे, जितने स्टेप चलेंगे उतने दस कंसीडर करेंगे। मान लीजिए हम एक स्टेप चले तो हम एक दस काउंट करेंगे, हम दो स्टेप चले तो हमारे लिए दो दस होगा, हम तीन स्टेप चले वो हमारे लिए तीन दस होगा, हम चार स्टेप चले वो हमारे लिए चार दस होगा, टेन, फोर टाइम टेन, वन स्टेप वन टाइम टेन, टू स्टेप टू टाइम टेन, थ्री स्टेप थ्री टाइम्स टेन, फोर स्टेप फोर टाइम्स टेन, समझ गए, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो डिवाइड होगा, नीचे जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। अगर ये पांच रूल आपको पता है तो दुनिया का कोई भी यूनिट कन्वर्जन हो वो आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इन पांच नियमों को पढ़ने के बाद बहुत आसानी के साथ आगे स्टार्ट करते हैं यूनिट कन्वर्जन। तो यूनिट कन्वर्जन में हम सबसे पहले यूनिट ऑफ लेंथ लेंगे और उसको कन्वर्ट करने की तरीके को देखेंगे। यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट लेंगे और इसको कन्वर्ट करने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करने का तरीका, तो लेंथ ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मैं इसकी एसआई यूनिट बता दूं आपको बच्चों। एसआई यूनिट यानी कि वो यूनिट जो लगभग लगभग जगहों पर, हर जगहों पर एक्सेप्ट की जाती है, मानी जाती है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, जिसका सिंबल होता है स्मॉल एम। लेंथ की एसआई यूनिट पूरे भारत में जो मानी जाती है वो मीटर मानी जाती है, पूरे भारत में लेंथ की एसआई यूनिट मीटर मानी ही जाती है। गौर करें जरा, ध्यान से सुने, यूनिट ऑफ लेंथ, अब कितनी यूनिट होती है तो उसको ध्यान रखना, केले 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 हैं हैं दुकान में, दुकान में, दुकान से मंगवाएंगे, केले हैं दुकान में, दुकान से मंगवाएंगे, ये एक तरीका है, एक लाइन आप याद रखें, केले हैं दुकान में, दुकान से मंगवाएंगे। केले का हमने के ले लिया, हैं का एच ले लिया, दुकान का डी ले लिया, में का एम ले लिया, ठीक है, दुकान का फिर से डी ले लिया, से का सी ले लिया, मंगवाएंगे का एम ले लिया, ठीक है। अब चूंकि आपको लेंथ की यूनिट बनानी है इसलिए सबके बगल में मीटर लगा देंगे, मीटर लगा देंगे, ठीक है बच्चों, सबके नीचे क्या लगा देंगे, मीटर लगा देंगे, ठीक है, सबके बगल में मीटर लगा दिया, चलिए ठीक है। अब यहां पे जब मीटर लगाएंगे तो ये मिलीमीटर हो जाएगा, तो इसके बगल में जो बीच वाला है इसको राउंड रखेंगे आप, इसको डिब्बे में पैक रखेंगे, ये आपकी बीच वाली जो होगी वो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट, ये आपकी एसआई यूनिट है और इसके साथ में कुछ भी नहीं लगाएंगे, इसी ईएम को सबके साथ हमने लगा दिया। तो आप जरा देखो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया किलोमीटर, ये बन गया हेक्टोमीटर, ठीक है, हेक्टोमीटर, ये बन गया डेसीमीटर, ये बन गया मीटर, ये बन गया हमारा डेसीमीटर, सॉरी ये है अपना डेकामीटर, एक्सक्यूज मी, और ये है हमारा डेसीमीटर, और यहां पे आ जाएगा सेंटीमीटर, और ये है हमारा मिलीमीटर। एक चीज थोड़ा सा गलत हो गई है, वो जरा ध्यान से देख लें। मैंने अभी आपको बताया था कि नीचे जाने पर यूनिट इंक्रीज होती है, यूनिट इंक्रीज होती है, ये गलत था, सही कर लें,
यूनिट इंक्रीज नहीं होती, यूनिट डिक्रीज होती है, यानी यूनिट क्या होती है, लार्जर से स्मालर जाती है। मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत बहुत माफी चाहता हूँ इसके लिए। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो यूनिट इंक्रीज नहीं होती, बल्कि यूनिट छोटी होती चली जाती है, लार्जर से स्मालर होती जाती है। और इसी का जस्ट अपोजिट, जब हम यहाँ ऊपर जाते हैं तो यूनिट डिक्रीज होती है, यानी स्मालर टू लार्जर। ठीक है, लार्जर। अभी मैं रट्टा मार के नहीं आया था, वरना मैं आपको सही ही पढ़ाता, तो मैं इसको एडिट नहीं करूंगा, वीडियो को एज इट इज डाल दूंगा, आप समझ लें। जब हम नीचे से ऊपर से नीचे जाते हैं तो यूनिट इंक्रीज होती है, ये मैंने बताया था, ये गलत था। यूनिट डिक्रीज होती है, क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है, छोटी होती जाती है। ठीक है, और जब हम यहां से यहां जाते हैं ऊपर से नीचे, तो हमने बताया था इंक्रीज होती है, ये बताया था मैंने, इंक्रीज होती है तो ये डिक्रीज होगी, और मैंने बताया था ऊपर जाने पर डिक्रीज होगी, तो ये डिक्रीज नहीं होती बल्कि क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, इंक्रीज होती है, यानी स्मॉलर टू लार्जर होते हैं। देखो जरा, किलोमीटर बड़ा होता है एज कंपेयर टू मीटर। ठीक है, किलोमीटर बड़ा होता है एज कंपेयर टू मीटर। तो ध्यान रखें, बहुत ज्यादा खिचड़ी ना बनाए। जब हम नीचे जाएंगे तो हम लार्जर से स्मॉलर जाएंगे, और जब हम ऊपर जाएंगे तो स्मॉलर से ऊपर जाएंगे, तो हम स्मॉलर से लार्जर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यही एक गलती थी, बाकी कुछ गलत नहीं था। ठीक, नीचे जाने पर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाने पर डिवाइड होगा। कितने से मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा। कितने 10, जितने स्टेप चलेंगे उतने 10 हम काउंट करेंगे। ठीक है, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन, मैं इसका कन्वर्जन आपको सिखा देता हूँ। टेक अ शॉर्ट स्क्रीन बच्चों, और ये ध्यान रखेंगे, इसकी मुझे क्षमा करें, बहुत बड़ी गलती हुई थी शुरुआत में ही, तो मैं एडिट नहीं कर रहा, एज इट इज डाल दे रहा हूँ। लिख ले, शॉर्ट स्क्रीन ले, ले लिया, ले लिया। चलिए, तो ये बगल में बताता चलता हूँ ताकि ये लिखा रहे, ध्यान से देखें। अब जरा गौर करें, मान लीजिए किसी ने हमसे कहा कि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, यानी एक किलोमीटर अगर हमें लिखना है तो उसके इक्विवेलेंट में कितना मीटर आएगा, उसके बराबर कितना मीटर होगा। तो जरा देखो, किलोमीटर कहाँ है, यहाँ। तो आप अपनी पेन को यहाँ रख लें। अब किलोमीटर से आपको कहाँ जाना है, मीटर पे जाना है। जरा काउंट करें, एक स्टेप नीचे आए तो जितने स्टेप उतने 10, एक स्टेप नीचे आए 1 10, दो स्टेप नीचे आए 2 times 10 यानी 2 बार 10, 3 स्टेप नीचे आए तो हमारे पास हो गया 3 बार 10 3 times 10 यानी हमारे पास ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। अब 10 10 10 3 times हैं। ठीक है, अच्छा, ऊपर से नीचे आते समय क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई होता है। और अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो डिवाइड होगा। ठीक है, क्या होगा, डिवाइड होगा। तो नीचे से ऊपर जाते समय डिवाइड, ऊपर से नीचे जाते समय मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अब जरा गौर करें कि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये पूछा गया है, तो हम ऐसे लिखेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होते हैं ये बताना है। तो देखो जरा, कितने 10 है, 1 2 और 3, 3 बार 10 हैं, नीचे जाते समय मल्टीप्लाई होता है, इनको मल्टीप्लाई में लिख दें, 3 बार 10 मीटर। जरा इसको और सॉल्व कर लें, 10 10 100 100 10 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, मैथ का एक रूल मैंने आपको पढ़ाया है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, देखो ये यहां पावर वन है, पीछे मैंने पढ़ाया है दूसरे वीडियो में कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 1 1 1 ये हो जाएगा 3 मीटर, यानी 10 to the power 3 मीटर भी बोल सकते हैं। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 to the power 3 मीटर। ठीक है, ऐसा कोई भी ले लें, मान लीजिए आपसे पूछा जाए
आपसे पूछा जाए कि कि 1 meter इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर होता है, जस्ट अ मिनट, कितना मिलीमीटर होता है, कितना मिलीमीटर होता है, ठीक है, 1 meter इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर होता है, ये हमसे क्वेश्चन किया गया है। नाउ हम कहाँ पे हैं, देखो जरा मीटर पे खड़े हो जाओ। ओके सर, मीटर पे खड़े हो गए। अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो 1 times 10, 2 times 10 और यहाँ पे 3 times 10, यानी हम यहाँ पे 3 times 10 लेके आएंगे, तो 1 meter इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और नीचे जाते समय क्या होता है, मल्टीप्लाई, इसीलिए क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ गया मिलीमीटर, तो 1 meter इज इक्वल टू 1000 millimeter, ठीक है। और वो वाला लगाओ बेस सेम पावर एड वाला, 1 meter इज इक्वल टू 1, 1, 1 सबकी पावर 1 कंसीडर करी जाती है, अगर कुछ नहीं होता तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 10 to the power 3 millimeter mm, बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, ठीक है। और किसी को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ और लिखो कमेंट सेक्शन में, अगर कुछ पूछना है इसमें तो लिख दो तुरंत, चलो चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलें। अच्छा और क्या पूछना चाह रहे हो सर, एक बार उसको बता दो, ठीक है। अभी मैं ऊपर से नीचे आ गया, ऊपर से नीचे आ गया, एक बार नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, नीचे से ऊपर, चलो ये मिटा देता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। अब मान लीजिए हम यहाँ पे, हमसे किसी ने पूछा कि 1 meter इज इक्वल टू कितने किलोमीटर होते हैं, कितने किलोमीटर, तो हमें कहाँ जाना है, ऊपर 1, 2 और ये 3, 1 time, 2 time, 3 time, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10, 10। अब ऊपर जाते समय बच्चों क्या होता है, डिवाइड होता है, क्या होता है, डिवाइड होता है, तो हम डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, जितने स्टेप हम ऊपर जाएंगे, 1 step, 2 step, 3 step, 3 10 से डिवाइड कर देंगे। हमसे पूछा है 1 meter में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 meter इज इक्वल टू 1 step नहीं गए, 1 divide, ये डिवाइड का सिंबल है, 1 10, 2 गए 2 10, 3 गए 3 10, ऊपर लिख देंगे किलोमीटर, तो 1 meter इज इक्वल टू हो जाएगा 1 upon 1000, या नीचे 1 है ना ऊपर, पर 1 है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो 1 kilometer, 1 upon 1000 kilometer, एक आंसर ये हो गया बच्चों। और अच्छा जो बच्चा पढ़ना चाहेगा बहुत अच्छे तरीके से, तो वो क्या बोलेगा, 1 upon 10 की पावर 1, 1, 1, बेस सेम पावर है 10 to the power 3 kilometer। अगर कोई बच्चा और अच्छा पढ़ना चाहेगा तो उसको मैथ का एक और लाभ मैं बता देता हूँ, कानून, जब कोई चीज नीचे होती है उसको ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर क्या होती है, उसकी पावर का सिंबल चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10 to the power -3 kilometer। 1 meter इज इक्वल टू 10 to the power -3 kilometer, ठीक है, ठीक है, ओके, तो ये लिख लें, और आपकी लेंथ की यूनिट का आप कन्वर्जन समझ चुके हैं। अगर हमसे कोई पूछ ले, मैं क्वेश्चन और करा देता हूँ, मिटा दूँ, ठीक है, अगर कोई पूछता है कि हमारे से कि 1 meter में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ज़्यादातर यही यूज होते हैं, तो 1 meter में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 meter इज इक्वल टू, हमें कहाँ जाना है, हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, 1, 2, 2 step नीचे गए और नीचे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर, 1 meter इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 times 100 centimeter, 1 meter में 100 centimeter होते हैं, या 1 meter इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 to the power 2 centimeter, तेज तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब आपका काम यह है कि कुछ क्वेश्चंस मैं दिए दे रहा हूँ, आप उसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखोगे, ठीक। जैसे 2 kilometer को हमें कन्वर्ट करना है कितने मीटर में बनेगा, और 5 centimeter कितना किलोमीटर बनेगा,
और 2 सेंटीमीटर, दो 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 दो, 2 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होगा? ठीक है, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे, ठीक है, इनका उत्तर। शॉर्ट स्क्रीन ले लिया, मैं हट गया था, ले ले, ठीक है। तो अब यूनिट ऑफ लेंथ के बाद हमारे पास आती है अगली यूनिट, है यूनिट ऑफ वेट, यूनिट ऑफ वेट, जिसे मैथ में मास भी कह सकते हैं। फिजिक्स नहीं चल सकती बाबू, फिजिक्स में वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी होता है, तो वो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। मास और वेट जब कहा जाता है मैथमेटिक्स में, तो लगभग लगभग दोनों को सेम कहा जाता है। अब इसकी एसआई यूनिट की भी बात कर लेते हैं बहुत तेजी के साथ। तो इसकी एसआई यूनिट होती है बच्चों ग्राम, उसका सिंबल क्या होता है सब लोग पता है, जी। इसको याद करने का तरीका क्या है? केले हैं दुकान में, देखो ध्यान से, केले हैं दुकान में, जी दुकान से मंगवाएंगे। केले हैं दुकान में, जी मतलब उसको सामने वाले को कोई आया कस्टमर, उसने कहा केले हैं, तो आपने कहा केले हैं दुकान में, जी दुकान से मंगवाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा जी, और ये वही रहेगा केले का के, ये सबका एम हटा देंगे काउंट से, बाकी सारे रूल सेम है। यहाँ लगा देंगे ये वाला जी 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 जी, ठीक है। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, मीटर हटा दो, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ग्राम। इंग्लिश मत पढ़ना, ग्राम का मतलब चना मत ढूंढने लगना, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, बाकी सारा रूल सेम है बच्चों, ठीक है। ये एसआई यूनिट होती है इसकी ग्राम, और बाकी सब सारे रूल वही है, सब का सब वही है, इसीलिए अब जल्दी हो जाएगा, बड़ी तेजी के साथ आगे चलते हैं। जैसे हमसे किसी ने पूछा 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, कितना ग्राम, 1 किलोग्राम ये है, और यहाँ से हमें यहाँ आना है, एक आए, 2 स्टेप, 3 स्टेप, नीचे आए तो फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई, 3 स्टेप आए तो 3 से मल्टीप्लाई, यानी 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 10 × 10 × 10 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू पावर 1 पावर 1 पावर 1, बेस सेम पावर एड रूल लगा देंगे 10³ ग्राम, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। शॉर्ट स्क्रीन ले ले जल्दी से, ले ले, ले लिया, ओके। अब आगे चलते हैं बड़ी तेजी के साथ, वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो रही है, इसलिए जल्दी से करते हैं। मान लीजिए हमसे किसी ने कहा 5 ग्राम को आप बताएं कि कितना मिलीग्राम होगा, कितना मिलीग्राम होगा, ठीक है, तो 5 ग्राम को कितना मिलीग्राम होगा ये बताना है, तो चलो देखते हैं। देखो जब यहां 1 होता था तो यहां 1 लिखते थे, यहां 2 होगा तो यहां 2 लिखेंगे, ठीक है, तो पहले तो 5 है तो यहां 5 लिख देंगे, ठीक। अब चूंकि हमें नीचे जाना है, ध्यान से देखें, 1 सेकंड, हम ग्राम पे हैं, हमें कहां जाना है मिलीग्राम, यहां 1 2 3, 3 स्टेप हमें नीचे जाना है, तो हम यहां 3 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहां बगल में आ जाएगा मिलीग्राम। फिर से सुन लो, जब यहां, अरे गद, 1 ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम होता तो क्या लिखते, यहां लिखते 1 ग्राम बराबर 1 × 10 × 10 × 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, यही लिखते ना। 2 होता तो क्या लिखते, 2 ग्राम इज इक्वल टू 2 × 10 × 10 × 10 मिलीग्राम, ठीक है। 3 ग्राम होता तो क्या लिखते, 3 × 10 × 10 × 10 × 10 मिलीग्राम, ठीक है। तो उसी तरीके से 5 ग्राम है तो क्या लिखा, 5 × 10 × 10 × 10, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5 ग्राम इज इक्वल टू 5000,
ये 1000 हो जाएगा, 1000 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 ग्राम इज इक्वल टू 5000 मिलीग्राम। ठीक है, ठीक है, एक बार नीचे से चले जाते हैं ऊपर की तरफ, चलो नीचे से चले जाते हैं ऊपर की तरफ, जल्दी देखो। अगर किसी ने पूछ लिया कि 10 ग्राम में, ध्यान से सुनना, अब 10 लिख रहा मैंने, 10 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, मतलब कितना किलोग्राम, ये तो बड़ी हो गई यार, यूनिट बड़ा करना है। ठीक है भाई, 10 ग्राम इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, जितना यहाँ होगा उसको यहाँ लिख देना 10। अब हम कहाँ जा रहे हैं, ग्राम से हम कहाँ जा रहे हैं, किलोग्राम पर, 1 2 3, 3 स्टेप हम ऊपर गए, ऊपर जाने पे क्या होता है, डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ आ जाएगा किलोग्राम, 10 से 10 डिस्कनेक्टेड, डिलीटेड, यहाँ आ जाएगा 1/100 किलोग्राम, 1/100 किलोग्राम, 10 ग्राम इज इक्वल टू 1/100 ग्राम, या इसको ऐसा भी बच्चा लिख सकता है, 1/10 यहाँ पावर 1 बेस सेम पावर एड, इतना किलोग्राम। कोई बच्चा चाहेगा तो और अच्छी मैथ लिखेगा, तो 10 किलोग्राम इज इक्वल टू 10^-2 किलोग्राम, पूरा एक्यूरेट फिजिक्स लगा दिया अपने। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आया, शॉर्ट स्क्रीन ले ले, हम आगे चलते हैं, ले लिया। अब यूनिट ऑफ वेट के बाद हमारे पास टॉपिक आता है यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, लिक्विड की यूनिट हमें लिखनी है, वॉल्यूम की यूनिट लिखनी है। तो केले, इसकी इसका तरीका, पहले इसकी एसआई यूनिट लिख देता हूं मैं, इसकी एसआई यूनिट बच्चों होती है लीटर, जिसका सिंबल होता है एल, क्या होता है एल। तो केले हैं दुकान में, यही रहेगा, लेना है, मैंने सवाल में पूछा, सामने वाले ने कहा केले हैं, तो मैंने कहा हाँ केले हैं दुकान में, लेना है, केले हैं दुकान में, लेना है, दुकान से मंगवाएंगे, वही तरीका है, जी हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, मैं इसीलिए आपके सामने हटा रहा हूँ ताकि आप भी दिमाग में रख सकें। यहाँ पे आ जाएगा किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेसी लीटर, डेका लीटर, यहाँ पे आ जाएगा लीटर, फिर डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ठीक है, ठीक है, चले, वही तरीका है, ऊपर जाएंगे डिवाइड होगा, नीचे जाएंगे मल्टीप्लाई होगा। बधाई हो, आपको साफ समझ में आ रहा है, यस सर, यहाँ थोड़ा सा मामला भी बनेगा, अच्छा मजा आएगा। चलो, अब हमसे किसी ने कह दिया कि एक बात बताइए, यहाँ पे लीटर लगा दे बच्चों, लीटर, सॉरी, यहाँ पे लीटर, वो बात ध्यान रखेंगे बेटा, मुझे बार बार कचोट रहा है कि मैं उसको एडिट कर दूँ या काट दूँ या दूसरा वीडियो बना दूँ, मगर वो मैं करूँगा नहीं, ताकि आप समझ सकें कि गलतियाँ सबसे हो सकती हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो मुझसे गलती तो हो ही जाएगी और भारी भारी गलतियां होंगी, फिर भी आप लोग क्षमा करेंगे क्योंकि आप क्षमा करने जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, लीटर, तो अब बात करते हैं कि किलो लीटर, हेक्टोलीटर। हाँ, मैं क्या कह रहा था, किस गलती की क्षमा मांग रहा था, मैंने ये कह दिया था नीचे जाने पर यूनिट स्मॉलर से लार्जर होती है, जी नहीं, लार्जर से स्मॉलर होती है, और इधर से इधर जाने पर ऊपर, फिर ऊपर, नीचे से ऊपर जाने पर स्मॉलर से लार्जर होती है। ठीक है, चलिए आइए, हमसे कोई पूछ ले कि 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, कितने लीटर होते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, कहाँ है भाई, यहाँ से यहाँ जाना है, टकोट टकोट, कितने स्टेप गए नीचे, 3 स्टेप, जल्दी करो, 1 किलो लीटर बराबर 3 स्टेप नीचे गए, तो 3 × 10 आएगा, और नीचे जा रहे हो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 1, 2, 3 लीटर, यहाँ देखो 1 था इसलिए यहाँ 1 लिखा नहीं, ठीक, किलो लीटर, यहाँ आ जाएगा 10 1000 लीटर, 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर, 1000 लीटर, चले चले, इसको वो तरीका, 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 10^1, 1, 1, 1, तो 10^3 लीटर, चलेगा चलेगा, ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अगर हमसे किसी ने पूछ लिया 1 लीटर इज इक्वल टू कितना ml होता है,
मतलब मिली लीटर जिसको तुम कहते हो। तो अब हमें क्या करना है, लीटर से फिर नीचे जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है नीचे। तीन स्टेप गए, एक स्टेप, दो स्टेप और तीन स्टेप। तो 1 liter इज इक्वल टू, तीन स्टेप नीचे गए, एक स्टेप के लिए 1 10, दो स्टेप के लिए 2 10, तीसरे स्टेप के लिए 3 10, और नीचे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, 3 बार 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ml। तो 1 liter जब भी कोई बोलता है तो उसका मतलब होता है 1000 ml, ठीक है, 1000 ml, या 1 liter इज इक्वल टू, ये 10 to the power क्या हो जाएगा, 3 ml, 10 to the power 3 ml, ठीक है। टेक अ शॉर्ट स्क्रीन, ओके। अब आगे चलते हैं, मान लो हमसे किसी ने कह दिया कि 1 ml हमारे पास है और आप हमें, सॉरी 5 ml ले लेते हैं, 5 ml, 5 ml हमारे पास है, बताओ कितना लीटर होगा, 5 ml है कितना लीटर होगा। तो हम कह देंगे भाई ठीक है 5 ml है, यहाँ 5 है तो हमने 5 लिख दिया। अब सवाल ये है कि हम जा कहाँ से रहे हैं, मिली लीटर से लीटर, यानी नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, तो डिवाइड होगा, ये लो डिवाइड करेंगे, 1 बार गए तो 1 10, 2 बार गए तो 2 10, 3 बार गए तो पहुँच गए, तो 3 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 ml इज इक्वल टू 5/1000 liter, ठीक। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, 5 ml इज इक्वल टू 5 × 10 to the power कितना हो जाएगा, 3 liter, ठीक है, ये भी चलेगा। और लिखना चाहो तो 5 × ये 10 की घात ऊपर चला जाएगा, -3 liter, ठीक है। ठीक है बच्चों, शॉर्ट स्क्रीन ले ले आप इसका, और अब हम चलते हैं अगला। तो बच्चों क्या हुआ है कि वैल्यूम में थोड़ा सा खेल ट्विस्टेड भी है, तो इसी वजह से आगे चलते हैं, पहले आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, उम्मीद है आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे की कहानी। देखो बच्चों, एक प्रथा नापा गया, एक क्योंकि वैल्यूम 3D बॉक्स में भरा जाता है और उसकी लेंथ होती है, तो इसीलिए इसको लेंथ से भी जोड़ा गया, यूनिट ऑफ लेंथ से भी जोड़ा गया, जो सबसे ज़्यादा टिपिकल होता है, जो सबसे ज़्यादा टिपिकल होता है, ठीक है। ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए एक प्रथा बनाई गई है कि अगर कभी भी 1 cm का छोटू सा बॉक्स, 1 cm लंबा, 1 cm चौड़ा और 1 cm गहरा बॉक्स बनाया जाए, देखा जरा ध्यान से, ये इसकी लेंथ कितनी है, 1 cm, इसकी विड्थ कितनी है, 1 cm, इसकी हाइट कितनी है, 1 cm। अगर 1 cm लंबा 1 cm लंबा 1 cm चौड़ा और 1 ही cm गहरा बॉक्स बनाया जाए, एकदम छोटू सा बॉक्स, तो उसमें कितना वाटर आएगा, उसमें कितना वाटर आएगा, उसमें कितना पानी आएगा, उसमें आएगा 1 cm। ध्यान से सुनो, इसका वैल्यूम अगर हम निकालें, वैल्यूम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो आ जाएगा 1 × 1 × 1, तो आ जाएगा 1, यहाँ पे है सेंटीमीटर, यहाँ पे है सेंटीमीटर, यहाँ पे है सेंटीमीटर, 1 cm³। और 1 cm³ में बच्चों, जस्ट अ मिनट, 1 cm³ यहाँ पे गुणे 1 cm³ × 1 cm³, तो यहाँ आ जाएगा 1 cm³। 1 cm³ में 1 ml पानी आएगा, कितना, 1 ml, तो याद रखना 1 cm³ यहाँ से पकड़ लें, 1 cm³, बस ये इतना पकड़ लें, इज इक्वल टू 1 ml। 1 cm³ इज इक्वल टू कितना होता है, 1 ml, 1 cm³, 1 ml, 1 cm³, 1 ml, ठीक है। अब बदलने का भी तरीका आपको सिखाते हैं। इसी तरीके से प्रथा और बनाई गई है बच्चों, जब 1 1 meter का बनाया जाएगा, ये कितने का, 1 1 meter का बॉक्स हो, ये बॉक्स पेट्रोल टैंक आपने देखा होगा, पेट्रोल टैंक के इसी के साथ और उसकी डेंसिटी की साथ पता कर लिया जाता है, डेंसिटी और लेंथ के तरफ साथ पता कर लिया जाता है कितना लीटर पानी है, वॉल्यूम कितना है इसका। तो अगर हमने 1 meter बनाया, यहाँ पे 1 meter बनाया, यहाँ पे 1 meter बनाया, 1 1 meter का बनाया, ठीक है, बॉक्स बनाया, तो अब अगर इसका हम वैल्यूम चेक करें बच्चों, तो वैल्यूम कितना आएगा, 1 meter × 1 meter, LBH × 1 meter, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, तो यह आ जाएगा 1 m³।
और 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर पानी आता है, 1000 मतलब अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा पानी भर देंगे, बॉक्स बना देंगे, तो इसमें कितना पानी भर सकते हैं, 1000 लीटर। मतलब अगर हमने एक बॉक्स बनाया जिसके लेंथ 1 मीटर है, जिसकी विड्थ 1 मीटर है, ये विड्थ 1 मीटर है और जिसकी हाइट 1 मीटर है, तो इसमें हम कितना वाटर भर सकते हैं, 1000 लीटर पानी भर सकते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब इन दोनों से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो आप निकाल सकते हैं। जब मैं आपको कराता रहूँगा, जब मैं करवाऊँगा तो आपको बता दूँगा, ठीक है। टेक अ शॉर्ट स्क्रीन, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन। आगे चलते हैं यूनिट कन्वर्जन की एक और कहानी, ध्यान से सुनो। बस आपको मेरी एक बात याद रखनी है आगे की जितनी कहानी पढ़नी, ठीक है। जैसे कहीं लिखा है 5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और किसी ने कहा इसको मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर लेके आओ, सेंटीमीटर हटाओ और सेंटीमीटर को मीटर लेके आओ, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम कहाँ जाना है, सेंटीमीटर पे, तो हम वही लिखेंगे केले हैं दुकान में, दुकान से मंगवाएंगे, ठीक है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब हमें कहाँ जाना है, सेंटीमीटर से कहाँ जाना है, मीटर पे। सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ, यहाँ से कहाँ जाना है, ऊपर, ठीक है, सेंटीमीटर से यहाँ जाना है, तो कितना स्टेप जाऊँगा, 1 स्टेप 2 स्टेप पे पहुँच जाऊँगा, यानी 2 × 10 आएगा, ठीक है। और चूंकि मैं ऊपर जा रहा हूँ इसलिए डिवाइड होगा, ठीक है, नीचे से ऊपर जाने पर डिवाइड होता है ना, तो डिवाइड होगा, मतलब यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लिख देंगे। ध्यान से यहाँ 5 लिख देंगे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, 2 बार 10 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया उत्तर, और हो जाएगा फिर गलत, ठीक है, हो जाएगा गलत। सर क्या मजाक कर रहे हो, जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये गलत लिखा है, देखो जरा ध्यान से, उन्होंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा इस पूरी यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करो, देखो तरीका, देखो सेंटी फाइव, अब इस सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है तो उसका मतलब यह है कि 5 आगे रहेगा, यहां आ जाएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 3 बार सेंटीमीटर है, कितनी बार है, 3 बार, तो 1 सेंटीमीटर को बदलने के लिए 2 बार 10 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है, 5 × इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 1/2 बार 10, इसके लिए 1/2 बार 10, इसके लिए 1/2 बार 10, ठीक है, 2 2 बार 10 से भाग करना पड़ेगा, 5 × 1/10, 10, 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
ठीक है, 10 लाख। अब यहां पे लिख सकते हो आप मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये उत्तर बिल्कुल सही है, 5 × 5 / 10 लाख मीटर क्यूब, ठीक है। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 5 / 10^2 कितने टाइम्स है, 6 टाइम मीटर क्यूब। इतनी फचड़ ना मचानी पड़े, इतना लंबा चौड़ा ना मानना पड़े, इसके लिए एक तरीका देता हूं आपको, ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो लिखा यही है 5 cm³। आपको क्या करना है, आप 1 cm के लिए जान लो क्या होगा, 1 cm से मीटर बनाने के लिए क्या होगा बच्चों, 1 cm को मीटर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 2 × 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 5 × यहां पे ऊपर लिखेंगे 1, नीचे लिखेंगे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 2 × 10 आएगा। बच्चों यहां पे जो क्यूब लगा है ना वो 1 cm को बदल चुका है, ऐसे कितने सेंटीमीटर है आपके पास, 3 है, तो इनको 3 इसकी पावर लगा दें आप, यहां लिख दें मीटर क्यूब, ठीक है। यहां क्या लिख दें, मीटर क्यूब। सेंटीमीटर को आपने सीधा मीटर क्यूब में बदल दिया, बस जो काम आप 1 के लिए कर रहे थे, जो काम आप 1 के लिए कर रहे थे वही 2 और के लिए करना है, तो आप क्या करेंगे इसके साथ सीधा मीटर क्यूब लगा देंगे। मैथ का एक लॉ पढ़ लें, यही 1/10
ये हो जाएगा 100 की पावर 3 मीटर क्यूब 5 इंटू 1 अपान जितने जीरो हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करा दें। 2 जीरो है तो 2 3 जा 6, 3 होता तो 3 3 जा 9, 4 होता तो 4 3 जा 12, 4 3 12, तो उसको मल्टीप्लाई करा दें। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 3 6, 6 बार जीरो लगा दें यहाँ पे मीटर क्यूब। ठीक है भैया, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ठीक। तो ऐसे जब हम करते रहेंगे तो हम आपको बताएंगे। ध्यान रखना, ये जब भी क्यूब लगा होगा ना तो ध्यान रखना सेंटीमीटर को मीटर में ही कन्वर्ट मत कर देना, वो क्यूब में कन्वर्जन चाहता है। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले ले, शॉर्ट स्क्रीन ले ले, और ध्यान रखें कि 1 सेंटीमीटर का बॉक्स अगर हमने बनाया, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, तो उसमें 1 ml पानी आएगा। और 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा अगर हमने बोतल बना दिया है तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। तो इस तरीके से समाप्त होती है यूनिट कन्वर्जन की संपूर्ण कहानी। अगर कुछ रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अगर ये अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप जो है इस वीडियो को बच्चों तक पहुंचाएं, वो बच्चे जिनको अंदर मैथ का डर बसा हुआ है, हम दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये हम दावा नहीं कर रहे कि हम दूर ही कर रहे हैं, परंतु दूर करने का एक प्रयत्न करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करें, उन बच्चों तक एक सीरीज पहुंचाएं जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। इन्हीं बातों के साथ आज बेसिक खत्म हुआ है, कल से हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 9th का चैप्टर चलना शुरू हो जाएगा। उसकी संपूर्ण कहानी आपके इस वीडियो इस चैनल पर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक के लिए शॉर्ट स्क्रीन लें, नोट्स बनाएं, नोट्स इसकी PDF में मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाके मैं लिंक दे दूंगा या मैंने दे दिया है, आप जाके वहां पे चेक कर लेंगे, वहां पे आपको उसकी PDF नोट्स मिल जाएंगी। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत के साथ लगे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।